आज पवित्र सावन माह के चौथे सोमवार के अवसर पर मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। कोरोना संकट के मद्देनजर हर बार की तरह भक्तों ने दूर से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। आज चौथे सोमवार के अवसर पर सुबह 6 बजे से 7 बजे भगवान पशुपतिनाथ का महारुद्राभिषेक किया गया। मंदिर पुजारियों द्वारा पवित्र सावन माह में भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। आज के आकर्षक नयना भी राम श्रृंगार के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तगण बारी बारी से पशुपतिनाथ का दर्शन प्राप्त करने पहुंचे। वहीं प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बाबा पशुपतिनाथ की शाही पालकी सजाई गई, लेकिन पालकी का स्वरूप कोरोना संकट के चलते काफी छोटा रहा। शाही पालकी का मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया गया, शाम को उसका समापन हुआ। शाही पालकी में विराजित भगवान पशुपतिनाथ की प्रतीकात्मक आकर्षक प्रतिमा के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर परिसर पहुंचे। इस बार खास यह रहा कि पालकी के चारों ओर कोरोना संकट से निजात मिले, यह स्लोगन लिखे हुए दिखाई दिए। भक्तगण थिरकते हुए शाही पालकी में शामिल हुए। आपको बता दें कि बाबा पशुपतिनाथ के भक्तगण सावन माह में अपने अपने निराले तरीके से बाबा की भक्ति कर रहे हैं। इसी बीच आज सोमवार को मंदसौर शहर के मोहित सक्सेना व उनके साथियों ने मंदिर परिसर में शिव पार्वती और भगवान गणेश की आकर्षक रंगोली बनाई। इस आकर्षक रंगोली को यहां पहुंचे भक्तों ने खूब सराहा। आगामी सोमवार को मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह शाही सवारी निकाली जाएगी। यूं तो यह शाही सवारी पूरे नगर में भ्रमण करती है जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं, लेकिन इस वर्ष शाही सवारी का स्वरूप भी काफी छोटा रहने वाला है। शाही सवारी भी मंदिर परिसर में ही भ्रमण करेगी। सालों बाद ऐसा संयोग होगा कि बाबा पशुपतिनाथ भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर नहीं निकलेंगे। कोविड-19 के तहत कोई सारी उसको देखते हुए भगवान पशुपतिनाथ जी की शाही पालकी का आयोजन किया गया है, जो सावन के सोमवार होता है। एक सोमवार छोड़कर के जो उससे पहले वाला सोमवार होता है, प्रतिवर्ष उसी दिन उसी सोमवार को शाही पालकी निकलती है और उसका बड़ा भव्य स्वरूप रहता है। और इस बार जो है पूरे शहर में इसका भ्रमण न होते हुए केवल मंदिर परिसर में इसका भ्रमण हो रहा है, और आप देख सकते हैं कितना उत्साह है सभी भक्तों में। और शाही पालकी को लेकर के भगवान का स्वरूप को बहुत अच्छे से सजाया गया है और पालकी को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करें और पूरे विश्व पे कृपा करें अपनी। और महाकाल है ये, तो महाकाल अपना स्वरूप वो दिखाए और सभी इस महामारी खत्म करके सभी भक्तों पर दया दृष्टि बनाए। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति जो बनवाई गई है, वो हमेशा पालकी निकाली जाती है। जो वो पालकी के अभी अभिषेक हुआ है, अभिषेक होने के बाद में अभी ना तो ये सिर्फ मंदिर के यहीं पे बाहर प्रांगण में बाहर निकाली जाएगी और वापस इसको यहीं रख दिया जाएगा। और यहाँ पे उत्साह तो है और हमेशा रहता है और हमेशा ये चला आएगा और रहेगा। और अभी कोरोना के चक्कर में जो इसके कारण बाहर निकालेंगे नहीं और ये यहीं पर निकाली जाएगी।